और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर पुलों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कितनी ज्यादा संख्या में हादसे हो रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर मधुबनी से। मधुबनी में भी यहां मधुबनी जिले के झंझापुर एरिया में जहां पुल गिर गया, निर्माणाधीन कई जगह पर पुल गिर रहे हैं, तो कई जगह पर पूरी तरीके से जो निर्मित पुल हैं वो गिर रहे हैं। इस तरह के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? अब अगली तस्वीर देखिए, सिवान से हम आपको दिखा रहे हैं। सिवान से भी यहां पर पुल गिरने से, देखे ये अचानक से पुल गिर जाता है तो भरोसा नहीं है कि जिस पुल पर आप बिहार में चल रहे हैं कि वो बना रहेगा, ये गिर जाएगा। आप अपनी जान हथेली में रखकर इस पुल पर चल रहे होंगे। तो बिहार में ध्वस्त हो रहे हैं ये भ्रष्टाचार के पुल, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये देखिये किस तरह से धड़ाम हो गया ये पुल, अचानक से ये पुल देखे अचानक से धड़ाम हो जाता है। तो सिवान से तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब अगली तस्वीर हम आपको अररिया से दिखाते हैं। यहां पर भी देखिए इतना बड़ा ये विशाल पुल बना करके तैयार किया गया था, लेकिन देखिए किस तरह ताश की पत्तों की तरह ये पुल भी गिर रहा है। आसपास लोग मौजूद हैं, जाहिर तौर पर ये खौफनाक तस्वीरें हैं, ये खौफनाक मंजर है जो बिहार से इस वक्त सामने आ रहा है। और 11 दिनों में 5 पुल जमींदोज हो चुके हैं, ये भी हम आपको बता दें। इस तरह से एक के बाद एक जो ये पुल बन रही है, आज के पुल नहीं बने हुए हैं, इनको बनाने में वक्त लगता है, लेकिन ये वक्त देखिए ये सारी पोल खोल रहा है। ये तीन तस्वीरें मधुबनी, सिवान, अररिया, और ये सिर्फ उदाहरण मात्र हैं। बिहार से ऐसी ही लगातार तस्वीरें आ रही है जहां पर ये पुल धराशायी हो रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किस पर सवाल उठाया जाए, जहां लोगों की जान के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। बिहार में फिर पुल धड़ाम। फिर पुल ने ली जल समाधि। भ्रष्टाचार के आखिर कितने पुल, कब थमेगा बिहार में ये सिलसिला? बिहार में पुलों के जल समाधि लेने का सिलसिला जारी है। बीते 11 दिनों में बिहार में पुल गिरने की ये 5वीं घटना है। परसों किशनगंज में एक पुल ने जल समाधि ली, तो कल बारी मधुबनी की थी। एक के बाद एक बिहार में पुलों के गिरने की तस्वीरें चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कितना गहरा है बिहार में भ्रष्टाचार का दलदल। आखिर कौन जिम्मेदार है पुलों के जमींदोज होने का? क्या कार्रवाई हो रही है या सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है? शुक्रवार को मधुबनी में जो निर्माणाधीन पुल गिरा, उसकी लंबाई 77 मीटर है और दो पिलर के बीच में बीम का हिस्सा गिर गया। दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन ने इस लापरवाही को छिपाने के लिए टूटे हुए हिस्से को काले रंग के प्लास्टिक से ढक दिया, ताकि लोगों को पुल गिरने की जानकारी ना हो सके। मधुबनी का ये पुल तकरीबन 3 करोड़ की लागत से बन रहा था। ये पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निर्माण किया जा रहा था। मधुबनी में पुल गिरने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बिहार सरकार को निशाने पर लिया और तंज कसा। तेजस्वी ने लिखा, 11 दिनों के अंदर बिहार में ये 5वां पुल गिरा है। मधुबनी सुपौल के बीच भूतही नदी पर वर्षों से निर्माणाधीन पुल गिरा, क्या आपको पता लगा? नहीं तो क्यों, बूझो तो जाने। पहले 18 जून को अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल गिर गया था। इसके बाद 22 जून को सिवान के महाराजगंज में गंडक नगर पर बना पुल धंस गया। इसके बाद चंपारण जिले के अमवा में भी निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया था। वहीं किशनगंज में मारिया नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। परसों किशनगंज में गिरा पुल 25 लाख की लागत से तैयार किया गया था। 2011 में बना ये पुल न सिर्फ बह गया, बल्कि पुल को जोड़ने वाला अप्रोच पथ भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। थोड़ा ज्यादा बारिश हुआ था, जैसे ही पानी का स्तर कम होता है उसको सुधार कर दिया जाएगा। पुल पहले डैमेज हुआ था सर, अभी तो जैसे खबर आ रहा है पुल, उसको हमने दिखवाया है, उसमें जो भी उसका रिस्टोरेशन का काम है उसको इमीडिएटली हम लोग करवा देंगे। वही इस पुल हादसे पर ग्रामीणों का क्या कहना है, जरा वो भी जान लीजिए।
कैसे हुआ? अभी बारिश तो हुआ ही नहीं, जैसे थोड़ा ही बारिश हुआ इसलिए पुल तो बह के चला गया। अभी देखिए और भी बहने के तारीख, अभी बारिश तो आया ही नहीं। बारिश जब आएगा तो इसका नामो निशान नहीं रहेगा। इस पे तो सब घुसखोरी वाला काम है ना, किसको कितना बोलेगा, जितना बोले उतना कम है। पूरा कमजोर बनाया गया होंगे या फिर और कोई कारण से, पानी अभी तो हुआ नहीं लेकिन पानी कम से कम थोड़ा ही हुआ, इस पुल घसक गया और आज हम लोग खेती करने से हम लोग रुक के बैठे हुए हैं। ये बहुत ही जानलेवा के रूप में ले लिया है, इसको कुछ भी हो सकता है किसी समय भी, बहुत आदमी को अनजान आदमी है, हो सकता है कोई आया और उसमें गिर जाए, वो मर जाए, उसका जान चला जाए अकाल में, उसका जिम्मेदार कौन होगा। बिहार में पिछले दो सालों में पुलों के गिरने की 10 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। पिछले दो साल में 10 से ज्यादा पुल धड़ाम हुए हैं। कोसी नदी पर बकौर भेजा घाट पुल ध्वस्त हुआ, सुल्तानगंज अगवानी गंगा घाट पुल ध्वस्त हुआ, बिहार के सारण में पुल जमींदोज हुआ, बिहटा सरमेरा फोर लेन मार पुल भी गिर गया, दरभंगा में लोहे का पुल गिरा, पूर्णिया कटिहार में भी पुल ध्वस्त हुआ, नालंदा जिले में निर्माणाधीन पुल ढहा, सहरसा बख्तियारपुर के बीच भी पुल गिरा, पटना के फतुहा में बारिश में पुल ढह गया। जाहिर है बिहार में पुल हादसे के सिलसिले कई सवाल खड़े करते हैं। बिहार में पुलों के गिरने की ये तस्वीरें आम हो चुकी हैं। कहीं रखरखाव में कमी है तो कहीं भ्रष्टाचार का असर आखिर कब तक होते रहेंगे? बिहार में ये पुल हादसे पूछ रही है बिहार की जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर देखिए आपके काम की खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, विपक्ष ठीक वो ही कर रहा है जिसका अंदेशा था। विपक्ष ये साबित कर देना चाहता है कि संसद में या संसद के बाहर, कैबिनेट में या कैबिनेट के बाहर नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ भी ठीक नहीं कर रही है। आज LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, जी हां राहुल गांधी अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उनके पास पहली बार अपने राजनीतिक इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन का जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था वो पूरी तरह उपयोग अपने तौर पे, और अगर होलिस्टिक व्यू में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, क्योंकि राहुल गांधी को इसकी चिंता है कि मोदी 70 बार दिखे और वो 13-14 बार, कि मोदी 50 बार दिखे और 20 बार, लेकिन इसकी नहीं कि दिल्ली की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। अनुराग भदौरिया प्रोफेसर राम गोपाल यादव के घर की तस्वीर डाल सकते हैं लेकिन राहुल गांधी उसे संसद में नहीं उठा सकते। जानकारी की धार सीधा आपसे सरोकार, फेक न्यूज का करेंगे उपचार, तब होगी सबकी एक्सरे रिपोर्ट तैयार। देखिए न्यूज का एक्सरे रोज रात 8 बजे मेरे साथ।